हेलो एवरीवन, बेटा एक बार चेक करिए क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है। हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। असल में लेक्चर है, एक शॉर्ट सेशन है आपके लिए, जिसमें बेसिकली हम आपको ये बताएंगे कि हमने किस तरीके से चीज़ों को कराया था और स्टूडेंट्स को कैसे उसको लेना था और किस तरीके से अटेम्प्ट करना था। तो जल्दी से बता दो क्या आप मुझे देख पा रहे हैं। एक बार आप देख लीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जल्दी से बता दो बेटा चैट में, जल्दी बता दो। हाँ हाँ बेटा, जल्दी बता दो चैट में। हाँ ठीक है, देखो सेशन का पर्पस क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आप में से बहुत सारे बच्चों ने कल एग्जाम दिया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि बेटा देखो, एग्जाम जो होता है वो हमारी लाइफ का एक पार्ट होता है। हम उसके लिए तैयारी करते हैं और उसको अचीव करने की पूरी कोशिश करते हैं। सभी तरह के बच्चे पूरी कोशिश करते हैं, उसमें पूरा एफर्ट डालते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, कई बार अच्छा होता है कई बार नहीं होता है, तो हमें बहुत दिल छोटा करके अपने आप को बहुत परेशान करने की नीड नहीं होती। हमें अपनी मिस्टेक्स पहचान कर चीज़ों को आगे देखने की नीड होती है। और अगर आप में से जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है उनको मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत बहुत बधाई है। और जिनको लग रहा है कि इस बार से हमारा कुछ कमी रह गई है, तो कमी सुधारने का उनके पास मौका हमेशा होता है। और आप ऐसा मत समझो कि ये कोई मामूली चीज थी जिसके लिए आप पढ़ रहे थे। ये बेटा आप समझो ध्यान से, ये वो एग्जाम है जिसके लिए बहुत कम लोग अच्छे से पढ़ पाते हैं। आप उन 18 लाख बच्चों में हो जो एक्चुअल में इस एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। अगर मैं बोलूं कि उसमें से मान लो कुछ लाख बच्चे जो रियल में डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करते हैं, आप उन बच्चों में हो। तो इसको बेटा अपने दिमाग में रखो पहले तो, कि आप ऑलरेडी औरों से अलग हो चुके हो, औरों से सुपीरियर हो चुके हो। किस सेंस में? आपने एक बढ़िया एफर्ट किया है। तो अब आपको ये समझना है कि अपने मतलब दिमाग को थोड़ा शांत करना है, एक दो दिन प्रॉपर दिमाग मैनेज करना है। अगर आपको लग रहा है आपका स्कोर कम है तो आप दोबारा से फिर से कोशिश कर सकते हो, कोई इसमें गलत बात नहीं है। ठीक है, अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने आसपास के लोगों से बात करो। ऐसा नहीं है कि हर कोई आपको उस नजर से देखेगा, यार आप फेल हो गए। फेलियर बेटा, मेरी बात समझ ध्यान से, जब तक बच्चे फेल नहीं होगा तो चीजें सीखेगा नहीं। फेल होना गलत बात नहीं है, लेकिन आपने अगर एफर्ट ही नहीं किया होता तो फिर आपको ज्यादा गलत लगना चाहिए था। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ, मैं हर तरह के बच्चों को ये बातें बोल रहा हूं और बार बार मैं कल से यही बात बोल रहा हूं। मेरे पास बहुत सारे मैसेज ऐसे हैं व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, बहुत सारे बच्चों के मैसेज हैं कि सर मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, आपने बहुत मेहनत करी। बेटा ठीक है, मैं मान रहा हूं, लेकिन स्टिल इसका ये मतलब नहीं है कि तू अपना पूरा दिल तो छोटा कर दे, बिल्कुल परेशान हो जा। ऐसा कोई मतलब नहीं है। क्लियर? ऐसा कोई चीज नहीं है कि तू खुद को मतलब ऐसे देख कि नहीं मैंने कुछ किया ही नहीं है। नहीं, ठीक है, तूने कुछ सीखा इस एक साल की जर्नी में, कुछ सीखा चीजों के बारे में, जाना ठीक है, अप्लाई नहीं कर पाया, फिर से ट्राई कर, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेहनत करनी है आपने, है ना। अपनी लाइफ में एक चीज आप समझो कि आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है। क्लियर है बेटा? सही है, ठीक है, क्लियर है। हाँ, स्कोर वगैरह के लिए मैं एक चीज बता दूं, जिन बच्चों का क्या स्कोर आ रहा है, कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या रहेगी, उसके लिए हम एक सेपरेट लेक्चर करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि पिछले साल ये रहा था और इस साल का ट्रेंड मेरे हिसाब से ये आना चाहिए। एक बार एनटीए की आ जाए, जिस की में आपको ये पता रहेगा कि एग्जैक्टली आपके क्या है, और आपको अगर कोई चैलेंज करना होगा तो आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा? हाँ क्लियर है। जिन बच्चों के 580 हैं, 590 हैं, उनके स्टेट में क्या मिल सकता है। लास्ट ईयर हमने इस पे अच्छा काम किया था भाई, बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को इन्वॉल्व करके हमने काउंसलिंग भी कराई थी। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप इस चीज को नहीं सोच सकते। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले लेक्चर का पर्पस क्या है, मेरी बात सुनो ध्यान से। लेक्चर का पर्पस ये नहीं है कि हम औरों से सुपीरियर पढ़ाते हैं। लेक्चर का एकमात्र पर्पस ये है आपको समझाने का कि हम एनसीईआरटी से बायो पढ़ाते हैं, हम सिलेबस कंप्लीट करते हैं और ईमानदारी से सारी चीजें पढ़ाते हैं। क्लियर है? कई बार लोगों को लगता है कि यार पेपर एनसीईआरटी से आया, आपने नया क्या किया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पेपर तो बुक से ही आता है बेटा हर साल। हमने नया कुछ नहीं किया, हमने पूरे साल ईमानदारी से सारी चीजें पढ़ाई जो आपके एग्जाम में आई और उनको बार बार टेस्ट के थ्रू रिवाइज किया। तो मैं सिर्फ ये इस पर्पज से इस लेक्चर को मतलब बता रहा हूं कि देखो आपको यहां पर हमने कराया था, आपने ऐसे सोचना था। सही है बेटा? क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? बताओ जल्दी से, क्या ये क्लियर है? बता दीजिए जल्दी से, क्या ये क्लियर है?
बेटा नीट हिंदी मीडियम का भी बैच आएगा, आप वेट करिए, पर पहले अभी यकीन 2.0 आने वाला है, तो परेशान मत रहिए। और सब मतलब एक धुआंधार बैच आएगा जिसमें आपको पढ़ना होगा। मैं ओपनली बोल रहा हूं ना, इसमें कोई ऐसा छुप के थोड़ी बोल रहा हूं, बिल्कुल खुल के बोल रहा हूं इस बात को, ठीक है बेटा। चलिए हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बच्चा चलिए हम लोग क्या बात करने वाले हैं आप देखते चलो, ठीक है आप देखते चलो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन बेटा, ये वो था 101 क्वेश्चन, ये R4 है बेटा, ये क्या है मेरे पास R4 है। ये जो क्वेश्चन नंबर वन था हमारे पास, ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर वन जो था हमारे पास, एक सेकेंड दो, हाँ एक मिनट बेटा, एक सेकेंड, हाँ देख लो आप खुद से, मैं आपको बता देता हूं। इसमें ये बायोटेक का क्वेश्चन था, बायोटेक मैंने नहीं पढ़ाई है, यकीन लास्ट में मनीष दुबे सर ने बायोटेक पढ़ाई थी, मैंने 2021 में पढ़ाई थी, वहां भी मैंने इल्यूशन वाला पॉइंट पढ़ाया था। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि हम ईमानदारी से देख लो, आप इल्यूशन पढ़ाया हुआ है, यहां पर आपको दिख रहा है ऑरेंज बैंड दिख रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से वो 101 क्वेश्चन है जो बायोटेक वन का है, और मैं आपको क्लियर हूं इस बात में कहने के लिए कि मनीष दुबे सर ने भी इसको प्रॉपरली पढ़ाया था, और उससे भी क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, सेम टॉपिक उन्होंने कराया था, 100% मैं इस बात को श्योर हूं, क्लियर है। तो एमडी सर ने भी सेम कराया था, तो मैंने आपको दिखा दिया कि पहला क्वेश्चन था इस वजह से, ठीक है। ये 2021 में मैंने कभी पढ़ाया था, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं, और ये फ्रेंकिया का क्वेश्चन था। फ्रेंकिया क्या होता है आपको पता है, फ्रेंकिया किसमें फिक्स करता है, एलनस में। आप देख लो आंसर, ये रहा एलनस और ये रहा आपके पास फ्रेंकिया, है ना। फ्रेंकिया फिक्स करता है नॉन लेग्यूमिनस में। आपके पास 102 क्वेश्चन था R4 का, ठीक है, और ये किसका है, यकीन का है बेटा। आपके पास यकीन बैच में भी हमने इस चीज को प्रॉपरली कराया था, ये मिनरल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है। अब आप देखो मेरे पास, ये वो क्वेश्चन है जो मेंडल के उस पे आया हुआ है। तो हमने यहां पर 14 प्योर ब्रीडिंग लाइन, और मैंने वहां पर आपको क्लियरली बोला था कि अगर पेयर लिखा आएगा तो 7 पेयर होगा। ये वो क्वेश्चन है, मेंडल स्टडीड 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इन पी प्लांट प्रपोज, है ना। ये वो वाला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, क्लियर है, ये वो क्वेश्चन है। एक सेकेंड देंगे बस, हाँ हाँ बेटा आप देख सकते हो, एक सेकेंड दो बस, हाँ देख लो। तो मेंडल वाला हमने यहां पे 14 प्योर वैरायटी, और ये प्लांट हाइट स्टेम हाइट ये प्रॉपरली कराया था ना, ये आपको प्रॉपरली कराए थे सातों कैरेक्टर। तो ये आप देख सकते हो 103 में हमने इसको चीज कराई थी, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा फटाफट से जल्दी करते हैं इसको, ये हमने देखो दो अप्रोच है हमारे पास, हॉटस्पॉट प्रोटेक्टेड एरिया सेक्रेट ग्रुप, और ये हमने XC2 में लिखा रखा है। तो XC2 में आपके सामने नेशनल पार्क, ये देखो नेशनल पार्क हमारे पास आंसर है, वो हमने किसमें पढ़ाया, प्रोटेक्टेड एरियाज में। आप आगे जाकर चेक कर सकते हो इसको, ठीक है, आगे जाकर जो हमने स्लाइड में पढ़ाया था, तो ये प्रॉपरली आपको कराया था, ठीक है, ये आपके सामने है, सही है, ठीक है। अब जरा फटाफट से देख लेते हैं बेटा, देखो अब ये वो टॉपिक है जहां पर हमने प्रिडेशन के लिए पढ़ाया था। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, इस बार इकोलॉजी से लगभग कितने क्वेश्चन आए हैं बेटा, इकोलॉजी से लगभग हमारे पास 8 या 10 क्वेश्चन तक आ गए हैं, और प्रिडेशन में प्रॉपर आपको ये सारे पॉइंट्स लिखाए थे जो आपको इस ऑप्शन में थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रिडेशन, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। तो यहां आप देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है बायोडाइवर्सिटी मेंटेन कर रहा है, स्पीशीज डाइवर्सिटी ये लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज कर सकता है। अब नेगेटिवली इंपैक्टेड के लिए हमने बेटा आगे इस चीज को कराया हुआ है ना, उससे पहले हमने एक टेबल बनाई थी और ये चीज प्रॉपरली करी थी, सही है। तो ये वो तरीका है कि हमने किस तरीके से बेटा इसे कराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आप ध्यान से देखो बच्चे, हमने ये टेबल किसमें कराई है, मिनरल न्यूट्रिशन में। आप देखो MN हमारे पास कहां है, देख लो मैग्नीज, ये रहा मैग्नीज, हमने ये सारा चीज प्रॉपर लिखवाया। देखो MN क्या कर रहा है, फोटोलिसिस वाटर मैच द फॉलोइंग में, पॉलन जर्मिनेशन के लिए हमारे पास बोरोन है, ठीक है। Mg+2 क्या करता है, एक्टिवेटर ऑफ दिस एंजाइम। और ये तो मतलब मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि हमने बेटा प्रॉपरली NCERT पढ़ाई है,
जो हमने नोट्स में पूरी तरह कवर करी है लिख कर, हमने एनसीईआरटी को प्रॉपरली लिख कर बोर्ड पर सभी टीचर्स ने पढ़ाया है और वहीं से आपका पेपर आया है। देखो, आयरन इज अ एक्टिवेटर ऑफ कैटलेज और नाइट्रोजिनेज, ठीक है, आप देख सकते हो एक्टिवेटर ऑफ कैटलेज यहां पर लिखा हुआ है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आराम से आप कर सकते थे, ठीक है। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, आप देख लो खुद से, एपिकल डोमिनेंस ये देख रहे हो, ये ऑक्सिन में लिखवाया है, ठीक है। फिर रूट हेयर, ये आंसर था इसका, ये आंसर था इथिलीन वाले का। गैसियस प्लांट हार्मोन पूछा था और उसका आंसर क्या था, गैसियस प्लांट हार्मोन में हमारे पास आंसर था रूट की ग्रोथ कराना ना, ये वाला। तो इसका आंसर आप देखो यहां पर हमने प्रॉपरली रूट हेयर वाली चीज कराई है, ठीक है। तो सर आप ये क्या एग्जैक्टली बताना चाह रहे हो बेटा? यहां मैं एग्जैक्टली ये बताना चाह रहा हूं सिर्फ आपको कि हम जो चीजें करा रहे थे, ठीक है, वो चीजें जो करा रहे थे वो एनसीईआरटी में थी और वो वहां से आ रही थी। तो ये लेक्चर का मेन पर्पस ये है, ठीक है। आप देख सकते हो हमने रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अभी जो रेकिन हुआ है उसमें भी कराया और वो बेसिकली किसमें है, पैकेटीन में, है ना। ये वाला क्वेश्चन था 108। और फिर देखो ये चीज, यहां पर आपको क्लियर बताया था इनर पार्ट डेड होगा और आउटर पार्ट लिविंग होगा, ये आपके नोट से हार्टवुड सैपवुड वाला इस टॉपिक में आपको कराया था। तो इसके जो क्वेश्चंस के ऑप्शन थे उसमें दो ऑप्शन ऐसे थे जिसमें पेरिफेरल लिखा हुआ था, सही है, पेरिफेरल लिखा हुआ था। यहां तक समझ में आ रहा है, पेरिफेरल लिखा हुआ था। तो पेरिफेरल का मतलब आउटर, तो यहां क्लियरली लिखा था आउटर लिविंग होता है, इनर पार्ट आपका डेड होता है। तो ये चीज बेटा कराई गई है आपको, है ना, सही है। हाँ, अब ये देखो हमने रनर सब एरियल वाला, ये रहा रनर ग्रास के लिए, ठीक है, फोटोसिंथेटिक स्टेम, क्लियर है। राइजोफोरा रेस्पिरेटरी रूट थॉर्न्स वगैरह, ये प्रॉपरली आपको इस ऑप्शन में 110। फिर हमारे पास देख लो एक्सोटाइप, देख लो आप खुद से एक्सोटाइप किसमें होती है हमारे पास, ये रहा ग्रास ऑपर, ये रहा आंसर, देखो ये रहा ग्रास ऑपर। यहां पर फटाफट से हमने, आप देख सकते हो कि हमने इसको यहां से कराया, तो एक्सोटाइप हमारे पास ये ग्रास ऑपर यहां पे आएगा, ठीक है, क्लियर है। आप देख लो खुद से, आपके सामने है जो जो चीजें हैं। अब जैसे ये वाले का मैंने, क्योंकि ये ऑप्शन अभी चैलेंज होंगे क्वेश्चन के, अब ये देखो आपको याद होगा अगर जो बच्चे बैच में थे या नहीं भी थे, आपने मॉलिकुलर का लेक्चर पढ़ा हुआ है, मुझे बताना फर्स्ट स्टेप क्या होता है। तो मैंने प्रॉपर आपको सीक्वेंस लिखा रखा है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों का गलत भी हुआ है जिसमें फर्स्ट स्टेप पूछा गया है। तो टीआरएनए इज एक्टिवेटेड एंड लार्ज सब यूनिट पे बाइंड कर रहा है, ठीक है, स्मॉल सब यूनिट से बाइंड, यहां लार्ज सब यूनिट बाइंड कर रही है एमआरएनए से, दोनों सब यूनिट एक साथ जुड़ रही है। आप खुद देखो मैंने सीक्वेंस क्या लिखवा रखा है, सीक्वेंस में एमआरएनए किससे अटैच हो रहा है, स्मॉल सब यूनिट से अटैच हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो आंसर में ये रहा सेकंड ऑप्शन था, स्मॉल सब यूनिट ऑफ आरएनए एनकाउंटर एमआरएनए, उसके बाद लार्ज सब यूनिट कंबाइन होती है, क्लियर है। तो ये आपके नेक्स्ट लेक्चर के नोट्स का है, तो वहां प्रॉपरली सीक्वेंस दिया था हमने कि किस तरीके से होगा। ये एनसीईआरटी में भी है, ऐसा नहीं कि हम कोई तूफानी चीज पढ़ाते हैं, हम एनसीईआरटी को डीप पढ़ा रहे हैं बेटा। और मैं फिर आपको बेट बोल सकता हूं इस बात को, ये लेवल ए से उठकर लेवल बी पर आई है। इवन अगर आपकी एनसीईआरटी सी लेवल मतलब और हायर लेवल आएगी, तो नोट्स और थ्योरी जो हम लोग कराते हैं थोड़ा टाइम लेके पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, टाइम लेते हैं प्रॉपरली। बहुत सारे बच्चे जो मानते हैं इस बात को कि यकीन में बैकलॉग हो जाता है, मुश्किल होता है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन स्टिल मैं बोल रहा हूं हम लोग टाइम लेके कराते हैं चीजों को, तो आपको मेहनत पड़ेगी ये चीज, क्लियर है। यहां तक समझ में आ रहा है, आगे देख लो फटाफट से, ये देख लो बेटा, ठीक है। देखो कैटलिटिक कन्वर्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, किसके लिए, थर्मल पावर प्लांट जहां से पर्टिकुलेट मैटर निकलता है, ये देखो खुद से। तो यहां पर्टिकुलेट मैटर के लिए हमने क्या किया हुआ, थर्मल पावर प्लांट, ये चीज हमने की हुई है ना, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ये जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक, बहुत सारे बच्चे आप में से इस चीज को समझे कि मॉर्फोलॉजी इजी आ रही है। अगर लेवल सी का पेपर आता है जिसको हम मुश्किल पेपर बोलते हैं और थोड़ा सा मुश्किल आता है, तो मॉर्फोलॉजी डिफिकल्ट आएगी। आप में से जिन लोगों ने लेक्चर्स अटेंड किए थे उन्होंने देखा था कि मैंने मॉर्फोलॉजी की खूब सारी प्रैक्टिस कराई थी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के। तो ये आपके सामने है पी गुलमोहर कैसिया, है ना, हम लोग प्रॉपरली लिख के एक एक एग्जाम्पल शॉर्ट फॉर्म में करा रहे थे। मस्टर्ड चिली धतूरा, आप यहां से आराम से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, क्लियर है, सही है। आगे देख लो, उसके बाद मौत वाला जो था, ये देखो ये सारी चीजें, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखवाई थी कि बायोटिक ज्यादा होता है उसमें और विंड पॉलिनेशन ज्यादा होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का। और ये देखो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है हमारे पास रेयर होती है, देखो देखो हमारे पास 30 जनरा है यहां पर और अमंग एबायोटिक विंड पॉलिनेशन ज्यादा, ये देखो रेयर लिखा हुआ है।
और ये यहां पर क्वेश्चन में आपके पास रेयर है। ये देखो, ये सारी चीजें हमने बढ़िया से प्रैक्टिस करी थी उस वक्त। मोर कॉमन अमंग द एबायोटिक, देख रहे हो विंड ज्यादा है तो विंड हमने ज्यादा लिखा हुआ है यहां पर। फिर वॉटर इज क्वाइट रेयर, ये रेयर यहां लिखा हुआ है, क्लियर है। मौत और बटरफ्लाई जो है तो यहां पर हमने मेनली किसको लिखा हुआ है, हमने बी को लिखा हुआ है, और सबसे ज्यादा पॉलिनेशन बी करता है बेटा, मौत और बटरफ्लाई नहीं होता। सही है, क्लियर है, हां सही है कि नहीं, आप खुद देखो, खुद से देख चेक करो, ठीक है, क्लियर आपके सामने बेटा। देख लो आप, हमने क्या किया है, विंड को ज्यादा लिखा है वॉटर से, फिर रेयर भी लिखा हुआ, वो सारे ऑप्शन तो हो क्या रहा था, पेपर खाली लेंदी था। ध्यान से पढ़ते सभी बच्चों से बनना था जिन्होंने प्रॉपरली क्लासेस अटेंड करी है। आप ये देखो, ये कौन सा क्वेश्चन है, एपोप्लास्ट सिंप्लास्ट का क्वेश्चन है। आप खुद देखो हमने एपोप्लास्ट में क्या क्या लिखवाया यहां पर। देखो ये वाली लाइन है, सिंप्लास्ट इज हेल्प बाई साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। यही आंसर था कि मूवमेंट एडिड बाई साइटोप्लास्ट, कौन सी मूवमेंट, एपोप्लास्ट, यही आंसर गलत था ना, तो ये फोर्थ आंसर था। और यहां पर आप क्लियरली देखो कि सिंप्लास्ट को कौन हेल्प कर रहा है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, यहां पर लिखा है एपोप्लास्ट को हेल्प कर रहा है, तो डायरेक्ट आपके उससे बनना था ये। फिर देखो, अब ये देखो, मैं क्लियरली जब मैं पढ़ा रहा था ग्लाइकोलिसिस, मुझे याद है मैंने आपको बोला था अगर क्वेश्चन में जब तक ये लिखा ना आए कि एरोबिक ग्लाइकोलिसिस है, देखो जब तक एरोबिक ग्लाइकोलिसिस लिखा ना आए तब तक आपने आठ नहीं लेना, अगर एनएरोबिक लिखा हो या डायरेक्ट पूछा हो। ये देख लो, मैं दो बता भी रहा हूं तुम्हें, है ना, सही है, ठीक है। तो आपके पास दो मतलब एटीपी बनने भी थे, ठीक है, और ये हमने उस वक्त भी बोला था, ये आंसर भी था आपका, ठीक है, 118 में, है ना। और ये देखो, हमने बोला था एक्सपेरिमेंट टू शो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम, और यही आपका आंसर भी तो है इसमें, वो किसका, फूड का ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, यही तो आंसर है आपका, देख रहे हो, है ना, यही यही आंसर ही है आपका, ठीक है, क्लियर, हाँ सही है, ठीक है, आप खुद देख लो, ठीक है। अब ये देखो, हमने प्रॉपर, देखो बेटा हमने इकोलॉजी को टाइम लेके पढ़ाया था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, टाइम लेके पढ़ाने का मतलब होता है प्रॉपर एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ाई गई थी। तो आप देख लो, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, और ये वो स्टेटमेंट है कि काइटिन में डीकम्पोजिशन स्लो होता है, एनसीआर यहां क्वेश्चन में क्या दे रखा था, काइटिन और लिग्निन में फास्ट होता है, ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग थी, है ना, ये स्टेटमेंट रॉन्ग थी, सही है, ठीक है, हाँ क्लियर है, क्लियर, बिल्कुल सही है। और देखो, अब ये देखो, हमने वेक्सलरी क्लियरली पढ़ा रखा है बेटा, देखो अगर मॉर्फोलॉजी मुश्किल भी आती तो आप झेल जाते, क्योंकि पूरी फेबेसिए में पढ़ा रखा है, तो वेक्सलरी हमारे पास फेबेसिए में है, तो हमने पी इसको मार्क किया था, पाइजम सटाइवम, ठीक है। उसके बाद क्या था बेटा, क्लिस्टोगैमस के लिए हमने क्लियर पढ़ाया था। अब यहां पर क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से बाहर था, पर आपकी समझ से आराम से बन जाता, क्योंकि हमने प्रैक्टिस करा रखी थी क्लिस्टोगैमी में, इनवेरिएबली ऑटोगैमी होती है, और क्लिस्टोगैमी की डिसएडवांटेज है ये बात कि उसमें क्या होती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होती है, तो ये हमने आउटब्रीडिंग में इनब्रीडिंग डिप्रेशन में बढ़िया डिस्कस किया था। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स वगैरह के बारे में आपके नोट्स में है प्रॉपरली, क्लियर है। अब ये एक्सोस्केलेटन बेटा, मैंने ये कभी मैंने बायोमोलिक्यूल पढ़ा रखा 2021 में, और ये एमडी सर ने भी आपको पढ़ाया होगा डेफिनेटली कि एक्सोस्केलेटन में हमारे पास क्या होता है, काइटिन होता है। कुछ बच्चों ने ग्लूकोज अमीन मार्क कर दिया, पर वो मोनोमर है, ये पॉलीमर है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप कर पाते, सही है। और देखो पीसीआर का क्वेश्चन था बेटा, ये तो बायोटेक से था, आप अगर चेक करेंगे तो 2021 वाले बैच में करा रखा है, ये एमडी सरनी से कराया है, पीसीआर का क्वेश्चन है ये। अब ये देखो वॉलवर्क्स, देखो हमने क्या किए थे, मैं आपको बताता हूं, प्लांट किंगडम और मॉर्फोलॉजी की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की थी। आप देखो, हमने यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी में लिखा हुआ है, ठीक है, और यहां पर देखोगे स्टोरेज में ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, इनमें हमने सारे इनके प्रोडक्ट दे रखे हैं। तो पोरफायरा क्या आता है, रेड एल्गी आता है, तो हमने ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे कि कौन किस में आता है, जैसे जिलीडियम रेड एल्गी में आता है, यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी में आता है, तो यूलोथ्रिक्स अगर ग्रीन एल्गी में आएगा तो ग्रीन एल्गी का स्टोरेज हमने क्या लिखवाया, आप खुद देखो यहां नोट्स में क्या लिखवाया, ग्रीन एल्गी में स्टार्च और ऑयल होता है, और यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी में है। ऐसे हमने क्वेश्चंस खूब प्रैक्टिस किए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, प्लांट किंगडम तो मतलब एकदम हलवा आया था जिन बच्चों ने प्रैक्टिस किया। अब उसके बाद देखो, हमने इथेफोन पढ़ाया था, इथिलीन की एक्वेटिक फॉर्म, और उसमें क्लियरली लिखवाया था प्रमोट फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर, ये रहा तुम्हारे पास क्वेश्चन में, फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर क्या आ जाएगा, इथिलीन आ जाएगा, है ना, इथिलीन आ जाएगा, ये हो गया। और देखो, फिर तुम्हारे पास केमियोस्मोटिक प्रॉपर समझाई थी, और ये वो सारे ऑप्शंस इसमें हैं कि केमियोस्मोटिक में एनएडीपीएच बन रहा है, ये रहा,
तो डायग्राम्स के थ्रू हमने सारा भी किया था बेटा। प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटता है, ये देखो ये हो रहा, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट टूट रहा है, फिर हमारे पास प्रोटॉन मूव कर रहा है, इसकी कंडीशंस लिखवाई थी इसमें, क्लियर है। तो ये आप सारा कर सकते थे। अब देखो ये देखो, ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म आपके एनसीईआरटी जो हम रीड भी करते हैं वहां भी बताया था, आप खुद देखो जेनेटिक मैपिंग, ये रहा, आप खुद देखो जेनेटिक मैपिंग और डीएनए सीक्वेंस को पता करना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये दोनों लाइनें आ रही है यहां पे, आपको दिख रहा है जेनेटिक मैपिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो ये दोनों के लिए यूज कर रहे हैं इसको। 128 का 4 आ रहा है कि नहीं, खुद देख लो आप, सही है। तो ये हमने जब एनसीईआरटी कराई थी तब उसके साथ भी कराया था इसे, ठीक है। उसके बाद देख लो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर क्या है मेरे पास, पीपी है ये लिखा हुआ, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, और रुबिस्को कौन से सेल में, बंडल शीट सेल में, तो यहां पर लिखा है मीजोफिल सेल में नहीं होता, तो ये क्वेश्चन भी तो ठीक है, ये बन गया इससे डायग्राम से डायरेक्ट, ये सी फोर प्लांट दे रखा है, ठीक है। उसके बाद देखो हमने क्लियरली कराया था ओवर एक्सप्लाइटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, हैबिटेट, ये क्या है, रीजन फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस है, तो क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये रहा आपके पास, ठीक है। बेटा देखो हम क्या बोल रहे हैं आपको, सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ाया है, और वो बैच में पढ़ाया, मतलब प्रॉपरली बैच में पढ़ाया, यकीन बैच के साथ। ये खास बात क्या है कि हम कंटेंट सारा पढ़ा रहे होते हैं, तो आपको बस कंटेंट को रिवाइज करना और ध्यान से सुनना है। अगर जिन बच्चों ने ध्यान से लेक्चर सुना भी है तो उनके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हैं। अब ये देखो लेस देन 7%, ये रहा आपके पास, कहां है क्वेश्चन, ये रहा, कोई डीप आया भी है तो आपके क्वेश्चन से बन जाएगा आराम से। अब यू क्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन में आप देखो हमने क्या चीजें कराई है, अब आप खुद से देखो, बेसिक लाइसिन आर्जिनिन ये लिखा हुआ, ठीक है, लेस कंडेंस यू क्रोमेटिन लेस, और ये उसके बाद देखो 200 बेस पेयर हमने प्रॉपर लिखा है यहां पे, और ये आपके सामने है कि यहां पर 400 बेस पेयर, ये आंसर था ना, यही गलत था, 400 या 200 लिखा हुआ है, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर का क्वेश्चन है। अब आप खुद से देखो हमने मियोसिस में, जैसे इसमें पेयरिंग लिखा हुआ है, हमने पेयरिंग किसमें पढ़ाई थी आपको, पेयरिंग हमने पढ़ाई थी जाइगोटीन में, तो जाइगोटीन किसमें होती है, मियोसिस में, तो यह आ गया मेरे पास, क्लियर है, बताओ एससी के लिए 450 ठीक है बेटा, नहीं मुश्किल है, मुश्किल है बच्चे, मुश्किल है एससी के लिए 450 मुश्किल कट ऑफ है, अगर दिल्ली की बात करें, बाकी स्टेट का नहीं बता पाऊंगा, यूपी में शायद ठीक है, हाँ यूपी में शायद ठीक है, 643 आदित्य, 272 कम है बेटा, हाँ एडमिट कार्ड दिया आपको, टेलीग्राम देख लेना, हाँ बेटा मैंने टेलीग्राम में एक बार आपके एडमिट कार्ड कलेक्ट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने मुझसे पढ़ा है वो दे भी रहे हैं, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा इसमें, हाँ सही है, आगे आ जाओ, और देखो हाइड्रोकोलाइड बेटा बिल्कुल आपको क्लियर पढ़ा रखा है, रेड एल्गी में क्या होता है, रेड एल्गी में काराजीन होता है, ये देख लो लिखा हुआ है, और यहां पर हाइड्रोकोलाइड रेड एल्गी पूछा था काराजीन के बारे में, तो ये रेड एल्गी आपकी मार्क कर सकते थे ना, आप यहां पर रेड एल्गी मार्क कर सकते हो, ये है ना, ठीक है। और देखो अब ये देखो हमने क्लियरली पढ़ाया था कि दो टाइप की हेट्रोफिली होती है, डेवलपमेंट और ये वाली, इनके एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको, देख पा रहे हो, ये एग्जांपल्स हैं, कॉटन कोरिएंडर लरक्स पर, और उसके अलावा बटर कप दे रखे हैं, क्लियर है। और हेट्रोफिली किसका एग्जांपल है, प्लास्टिसिटी का, तो इसमें इसीलिए आंसर मेज था ना, बाकी के तो देखो आपके पास कॉटन है, यहां पर कहां है कॉटन, ये रहा कॉटन, ये रहा कोरिएंडर, ये रहा और बटर कप, ये रहा, तो फिर क्या रह गया, मेज रह गया, ठीक है। और देखते हैं अब आप खुद देखो, हमने यहां पर बेटा जब आपको फास्फोरस साइकिल लिखवाई थी तो भी बोला था रेन कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है, आप खुद से देखो रेनफॉल स्टॉर्म ये आंसर नहीं हो सकता, वेदरिंग यहां लिखा हुआ है, देखो वेदरिंग की वजह से, ये लिखा हुआ वेदरिंग, वेदरिंग की वजह से हम क्या कर सकते हैं इसमें बढ़ा सकते हो, तो इसलिए आंसर ये था आपका, ठीक है। आप खुद से देख सकते हो, ये डायग्राम क्लास में डिस्कस किया था आपके साथ, आप खुद से देखेंगे, क्लास में डिस्कस किया हुआ डायग्राम है ये वाला, आप देखें इस चीज को, है ना, क्लास में डिस्कस किया हुआ डायग्राम है, क्लियर है, हाँ क्लास में डिस्कस किया हुआ डायग्राम है, जिसमें थैलेमस बताया था, है ना, और फिर वैसे भी इसमें डायग्राम की जरूरत ही नहीं थी, फॉल्स फ्रूट पूछा है, डायरेक्ट कर लेते आप इसको। 138 आप देखिए जरा, इसमें बेटा आपको C3 और C4 प्लांट का, इसने क्या C4 प्लांट में मीजोफिल और बंडल शीट की डिटेल दे रखी है,
तो जब हम डिटेल पढ़ा रहे थे उसमें ग्रैनल, एक ग्रैनल, एक में ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है, एक का साइज बड़ा होता है, एनसीईआरटी भी डिस्कस करी थी और उनमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, जैसे गैस जा सकती है नहीं जा सकती, इसमें स्पेस नहीं होते, इनमें स्पेस होता है, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की थी हमने, क्लियर है। तो इसका जो आंसर था वो क्लोरोप्लास्ट को लेके था कि ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, क्लियर है। हमने ये चीज उस वक्त बताई थी, ये बेटा बायोटेक का क्वेश्चन है, ठीक है, मैं बायोटेक और बायोमोलिक्यूल नहीं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि वो आपको सर ने पढ़ाया कहीं ना कहीं, ठीक है। अब ये देखो, इवन हमने एनवायरमेंटल इशू में सीएनजी के प्रॉपर वो लिखवाए थे, क्लीन फ्यूल, कंप्लीट कंबशन, चीपर देन पेट्रोल, और इसकी डिसएडवांटेज भी लिखवाई थी। तो आप देख सकते हो कि चीपर देन डीजल लिखा है, पेट्रोल की बात हो गई, तो ये सारी चीजें आपको मतलब मिल जाएगी। कंप्लीट क्लीन फ्यूल इसको या लिखा हो ना, कैन नॉट बी इजिली, यहां पीछे छुप गया, एडल्ट्रेटेड और साइफंड ऑफ, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, तो इसको कर सकते थे हम लोग। अब ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन कहां से कराया था आपको, प्लांट किंगडम जब पढ़ाया था हमने यकीन में, तो हमने प्रॉपरली हैप्लॉइड और डिप्लॉइड प्लांट्स जो थे उनको हमने क्लासिफाई किया था, किसमें डोमिनेंट गैमेटोफाइट है, किसमें स्पोरोफाइट है। और जब चैप्टर फिनिश हो रहा था तो मैंने क्लियरली बताया था कि कैसे गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट स्टेज में कन्वर्ट हुई है, क्लियर है। जैसे एल्गी और ब्रायोफाइट में डोमिनेंट स्टेज क्या होती है, गैमेटोफाइट, और टेरिडो जिम्नो एनजीओ में क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है। तो इसका एक बढ़िया डिस्कशन हमने सर उसकी लाइफ साइकिल पे किया था जब हम इसको कर रहे थे प्लांट किंगडम को, सही है बेटा, ठीक है, क्लियर बेटा। 635 पे एम्स बिलासपुर, पता नहीं, मुश्किल है एम्स का, कुछ भी मुश्किल है। ये देख लो भाई, मेटासेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक आपके सामने है और मैच द फॉलोइंग डायग्राम है आपके सामने, ठीक है। जीन सिक्वेंसिंग, ट्रांसपोजोम्स बेटा, मैंने 2021 में जब पढ़ाया था तो ट्रांसपोजोम्स आरएनएआई में पढ़ाया था, तो आरएनएआई जो होता है उसको जीन सीक्वेंसिंग कहते हैं ना, जीन सीक्वेंसिंग कहते हैं, तो उसको हम देख सकते हैं यहां पर, है कि नहीं बताओ। यहां का जीन्स कहां के, जीन साइलेंसिंग कहते हैं ना, आरएनएआई, आरएनएआई को जीन साइलेंसिंग कहते हैं। ये रहा ट्रांसपोजोम्स, ये वहीं का क्वेश्चन है बेटा। थैलेसीमिया देखो, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी हमने डायरेक्ट लिखा था और मैंने बार बार बोला था कुछ कोचिंग्स में ऑटोसोमल डोमिनेंट में 2 से 3 डिजीज पढ़ाई जाती है, एक मार्फन सिंड्रोम, एक पढ़ाते हैं हम लोग हंटिगन्स कोरिया, और एक मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। रिसेंटली मैंने बोला था कि यार मत पढ़ो, एक्स्ट्रा नहीं आएगा, एनसीईआरटी आएगी, और आप खुद से देखो, इसने मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाकर दिया है, और ये आपके नोट्स का है ऑटोसोमल डोमिनेंट का। उसके बाद आप खुद देखो हमने क्या लिखा है, किसके लिए लिखा है, हमने लिखा है कि व्हाइल एक्सप्लेनिंग फॉर अनदर इंटरेक्शन, तो हमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन कैन बी असाइन फॉर वन स्पीशीज नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव आप देख सकते हो किसके लिए दे रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव पैरासिटिज्म और प्रिडेशन के लिए, दोनों के लिए दे रखा है। तो ये हमने उस वक्त टेबल भी बनाई थी और मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे इसके एक्स्ट्रा, जो मैं करा रहा हूं बार बार क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चंस। देखो बेटा, हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होने की उम्मीद होती है कि यार वो अपना दिमाग लगा के कुछ नया क्वेश्चन बनाए, तो उसमें अगर क्वेश्चन आएगा प्रिडेशन एमनसलिज्म पे बदल सकते हैं क्वेश्चंस। देखो दूसरा, सोल्यूट पोटेंशियल, खुद देखो मैंने बार बार बोला था एडिशन ऑफ सोल्यूट डिक्रीज सोल्यूट पोटेंशियल, यहां पर देखो लोअर इट्स वॉटर पोटेंशियल, रेज इट्स वॉटर पोटेंशियल नॉट अफेक्ट, तो सोल्यूट से क्या होगा, वॉटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। अब देखो वॉटर पोटेंशियल विच इज, तो हम क्या करेंगे, वॉटर पोटेंशियल भी डिक्रीज कर रही है। देखो बेटा यहां, देखो यहां हमने लिखा वॉटर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ऐड करोगे तो वॉटर पोटेंशियल, ये लिखा बड़ा बड़ा डिक्रीज वॉटर पोटेंशियल, तो ये हमारे बेटा प्रॉपरली आप करोगे तो मिलेगा। ईएसटी हमने पढ़ाया था, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग का है, ये वो मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, कंप्लीट डीएनए को सीक्वेंस नहीं करते, आप खुद देखो, लेकिन यहां पर लिखा है कंप्लीट जीनोम सीक्वेंसिंग, तो कंप्लीट होन जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए फिर यहां पर हमारे पास सीक्वेंस एनोटेशन हमें लेना पड़ेगा, बाकी तो बन नहीं रहा था, ठीक है, बाकी नहीं बन रहा था, सीक्वेंस एनोटेशन हमने लिया। दो अप्रोच कराई थी आपको ह्यूमन जीनोम में। अब आप खुद से देखो, ये क्वेश्चन था जिसमें स्प्रिंग वुड और उसका था बेटा हार्ट वुड का क्वेश्चन था, स्प्रिंग वुड में आप खुद से समझना, स्प्रिंग वुड में देखो कम डेंसिटी लिखा है, यहां ज्यादा डेंसिटी लिखा है, ये लाइट कलर है, ये डार्क कलर है, आपको दिख रहा है ये, और उसके बाद अल्टरनेट रिंग है यहां पर। तो यहां पर जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे आप इस तरीके से बना रहे थे, जैसे इसमें पहला ऑप्शन है इट इज ऑल्सो कॉल्ड अर्ली वुड, तो स्प्रिंग वुड को हम अर्ली वुड कहते हैं, है ना, क्लियर है। उसके बाद हमने क्या लिखा था, जाइलम बनाएगा नैरो, तो स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम कैसे बनाती है, नैरो बनाती है कि ब्रॉड बनाती है, देखो कहां गया लार्ज साइज, ये लिखा हुआ देखो, ये लिखा हुआ लार्ज साइज ब्रॉड इन नंबर, सेकंड ऑप्शन इसलिए गलत था, वहां नैरो लिखा हुआ है ना,
ये नैरो लिखा है और लाइटर इन कलर, ये देखो लिखा हुआ लाइट, ये लाइट लिखा हुआ आपके नोट्स में, ठीक है, क्लियर है सर। इतना याद कैसे रहता है बेटा? समझ के याद होता है, रटने से नहीं होगा। अगर लेक्चर देख के प्रॉपर समझा हुआ होगा तो लॉजिकल तरीके से आप इसको आसानी से करके आते, क्लियर है, सही है। तो ये चीज आप करके आते आराम से तो बनता। उसके बाद डेथ रेट के हमने क्वेश्चंस कराए थे आपको आराम से, इसीलिए मैं इसमें बोल रहा था कि मान लो अगर 8/800 आएगा तो यहां पर 0.1 आ जाएगा, है ना, 8/800 में 0.1 आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं बताओ, ठीक है, क्लियर है। 80 है, पता नहीं क्या है, 8 मतलब ये अगर हम इसको 8/80 लिख रहे हैं, हाँ यार, तो 0.1 आ रहा। अब इसको कर लेना, मतलब हमने इसको प्रॉपरली इस तरीके से न्यूमेरिकल कराए थे, ठीक है, हमने इसके न्यूमेरिकल भी कराए थे। 8 ड्रॉस ऑफ हिलाए, 80 जो थे उसमें से अगर हमारे पास 8 की डेथ हो गई तो हमने इस तरीके से निकाला था पर वीक के लिए, क्लियर है। और देखो, अब ये देख लो आप ध्यान से, इसमें यही लाइन आ रखी है, ये देखो आपका, ये क्वेश्चन नंबर 150 में, यहां पर क्या होल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये देखो, ये एनसीईआरटी से इसने ऐसे का ऐसा उठा लिया, दिख रहा है आपको? हां, YouTube पे जो पढ़ा रहे हैं वहां से नहीं, वहां पर भी वही पढ़ाते हैं। देखो मैंने क्या पढ़ाया था यहां पर, देखो यहां पर मैंने क्या बोला था कि ये डिप्लॉइड के लिए दे रखा है, अगर इसको आप हैप्लॉइड के लिए करोगे तो 2.2 को 1.1 करना है, तो यहां पर 1.1 मीटर कर देंगे और ये वाली चीज क्या हो जाएगी, 3.3 हो जाएगी। ये क्वेश्चन ऐसा कराया था बेटा बुक क्लास में, ये 3.3 हो जाएगी, है ना, बाकी का सेम रहेगा, 10^9 बेस पर। ये डिप्लॉइड के लिए दे रखा है, उसने वहां पर हैप्लॉइड के लिए पूछा हुआ है, 1.1 मीटर पूछा ना, ये 2.2 का आधा कर दिया है, तो उसको भी आपने आधा करना था बस। उसके बाद बेटा ये जीन थेरेपी का क्वेश्चन है, ये नहीं, ये आपका लिविंग वर्ल्ड का, इसको मैंने कराया था, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। ये बेटा आपका बायोटेक का। अब ये देखो, ये माइक्रोब्स तो सभी लोग करते हैं हम लोग, साइक्लोस्पोरिनी ट्राइकोडर्मा, है ना, ये गलत लग गया इसमें, मियोसिस वाले में लग गया, ठीक है। अच्छा, बायो फोर्टिफिकेशन की प्रॉपर हम क्लास में बेटा डेफिनेशन वाइज करते हैं। आप खुद देखो, यहां पर लिखा यही चीज लिखी हुई है और यही चीज आपका किस में लिखी हुई है, क्वेश्चन में, तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है बायो फोर्टिफिकेशन की, आप देख सकते हो, ठीक है, क्लियर। ये बेटा कुछ क्वेश्चन आपके जूलॉजी के हैं इसके बीच में, ठीक है। ये लैक ऑपिरॉन का बेटा लॉजिकल क्वेश्चन था, इसको आपको फिर कॉन्सेप्ट सही होगा, ये आरईआर एसईआर हमने करा रखा है आपको सामने, ठीक है, ये कर सकते हैं आसानी से। मैं सिर्फ आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें जो पेपर आया था बेटा उसमें से देखो, ये वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है जिसमें आप खुद से सोचो, हमने न्यूमेरिकल्स किए थे क्लास में, ठीक है, तो जब आप क्लास में करते हो तो चीजें क्लियर हो जाती हैं कि भाई कैसे करना था। इसमें जो इसने केस लिया वो दोनों पे क्या ले लिया, वैसे लिया, हमने केस बनाकर पॉसिबल क्रॉस किए थे, क्लियर है। ये कलर ब्लाइंडनेस का क्वेश्चन था जिसका 100% आंसर आ रहा है। उसके बाद हमने इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन भी कराए थे और यहां पर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि सबसे बड़े वाला पहले सबसे ज्यादा बना लो, जिसमें ज्यादा डिस्टेंस उनको बना लो पहले, फिर बीच में छोटे वाले फिल करो, आसानी से बन जाएगा। तो ये वो क्वेश्चन है 192 जो आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से था, ठीक है। मैंने अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही बताया। और ये देख लो, स्क्रबर और ये चीज पर्टिकुलेट मैटर PM2.5 ये चीज दे रखी थी आपके क्वेश्चन में, ये हमने डिस्कस करी है। फिर हम लोग स्क्रबर किसके लिए करते हैं, SO2 के लिए होता है, है ना, पर्टिकुलेट मैटर के लिए नहीं होता, ठीक है। N14 N15 के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, ये उनमें से एक था। मान लो एक सेल से दो सेल, चार सेल, आठ सेल, आपके पास जो नीट में क्वेश्चन आया उसमें 10 सेल दे रखा था, 10 से 20 40 ऐसे करके, तो हमने क्या किया था, एक से आपको कराया था, क्लियर है। तो 10 से आप इजिली इसको कर सकते थे, ठीक है, परसेंटेज निकाल के भी करते तो आसानी से हो जाता। उसके बाद हाँ, ये तो सिलेक्टेबल मार्कर है, ठीक है बेटा। तो मैं आपको जस्ट ये मतलब शो करने के लिए नहीं था कि यार हम सब पढ़ाते हैं, मेन पर्पस क्या है, मैं आपको बताता हूं। पिछले 3 साल में या 4 साल में मैंने ये फील किया है कि नीट के पेपर में एनसीईआरटी आ रही है। उसके बाद क्या होता है कि यहां पर हमारे ऊपर एक मतलब वो आ जाता है कि यार कितना कराएं कितना छोड़ना है। जैसे मैं आपको बताता हूं, हमने बहुत सारी चीजें जो एक्स्ट्रा पढ़ाते थे उनको ऑलरेडी माइनस कर दिया और एनसीईआरटी के अराउंड पढ़ा रहे हैं और उससे पेपर आ रहा है। और जब आपका ये 3 टेस्ट सीरीज के पेपर हुए थे, इनके अराउंड भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे के ऐसे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि उस पेपर से कितने क्वेश्चन आए, बहुत सारे क्वेश्चन उस पेपर के डाटा को यूज करके बना हुआ था। इवन जो 15 तारीख को हुआ और 16 तारीख को भी पेपर हुआ, वहां से क्वेश्चन भी आए थे, क्लियर है।
सही है। तो मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, आप में से जिन बच्चों का मतलब कुछ भी रीजन से अगर कुछ गड़बड़ है तो वो अपना बैठ के पहले अपना दिमाग शांत करें और परेशान होने की बजाय उसके सलूशन की तरफ जाएं कि हमें करना क्या है। दूसरी चीज, जिन बच्चों को लग रहा है कि उनका स्कोर ठीक है, हमें कॉलेज मिल सकता है, एक बार एनटीए की की आ जाए, उस की से मैच कर लो। आप में से बहुत सारे बच्चे जो चैट में लिख रहे हैं कि सर इसमें क्या मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, एक बार तुम एनटीए की आ जाने दो, अपना फाइनल स्कोर बता दो कि अभी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में अभी भी गड़बड़ है। जैसे एक क्वेश्चन एनाटॉमी का है, वहां गड़बड़ लग रही है मुझे, एक वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वाला है, मुझे भी उसमें डाउट है, वो इन और फ्रॉम का डाउट है, क्लियर है, इन और फ्रॉम का डाउट है वहां पर। और वो लैप ऑपरियन के क्वेश्चन में हमारे हिसाब से आंसर बिल्कुल ठीक है, वो फोर्थ ही आना था, लेकिन एक बार जरा एनटी की आ जाए जिसमें जो एक दो डाउटफुल क्वेश्चन है वो उनको बता दें उसका क्या लेना चाह रहे हैं वो, तो फिर उसके बाद से हम कंफर्म आपको ये बताना स्टार्ट कर देंगे कि भाई आपको इस रेंज में क्या मिल रहा है। पर मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं फिर बता रहा हूं, पहले राउंड में बहुत सारे बच्चों को बहुत कुछ नहीं मिला था पिछले साल, ये मैं क्लियर हूं इस बात को लेके, पहले राउंड में बहुत सारे बच्चों को बहुत कुछ नहीं मिला था। तो हमने क्या करा, हमने ये देखा कि जैसे जैसे काउंसलिंग आगे गई थी उनको लास्ट में चीजें मिलने लगी थी। तो आप में से जिनका स्कोर जो भी आ रहा है पिछले साल से थोड़ा कंपेयर कर लो, बाकी स्टेट वाइज भी हम बता देंगे कि आपको क्या क्या मिल सकता है, क्लियर है। और जिनका उस स्कोर से बहुत दूर है तो वो फिर से देख सकते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्लियर है। इस वीडियो का जो मेन पर्पस था ये बताने के लिए बिल्कुल नहीं था कि हम सुपीरियर हैं, सिर्फ ये बताने के लिए था कि हम लोग एनसीईआरटी को लेकर हार्डवर्क करते हैं, जो रियल में लाइन पढ़ाने वाली बात होती है। और मैं फिर इस चीज को लेकर श्योर हूं कि बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझते हैं कि कितना कराना है और कितना नहीं कराना है, वो एक्सेस में पढ़ाते हैं जिससे नुकसान होता है, ठीक है। और मैं आपको इस चीज को लेकर श्योर कर सकता हूं कि हम लोग जो करा रहे हैं वो एनसीईआरटी के राउंड रहेगा और उससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। की एक दो दिन में आनी चाहिए, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगता, की आ जाती है, एक बार की आ जाए, ठीक है, क्लियर है। हाँ, एक बार की आ जाए तो फिर उसके बाद आप अपना स्कोर चेक करें और फिर बात करते हैं इस पर, ठीक है। उसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट बनाऊंगा वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कहां से क्या करना है। दूसरा बेटा, मैं मतलब इस चीज को लेकर आप थोड़ा श्योर हूं कि अब हम जो पीडब्ल्यू में टेस्ट भी बनाएंगे उनको एनसीईआरटी से बनाने वाले, मैं श्योर हूं इस बात को लेकर, और एनसीईआरटी से पहले भी बना रहे थे, स्टेटमेंट वाइज ज्यादा बनाएंगे ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो और ज्यादा उसके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कराएं, तो थोड़ा सा आपको मतलब टाइम लगे, क्लियर है बेटा, ठीक है, चलिए सही है। तो थैंक यू सो मच आपको ने ज्वाइन किया, पर्पस आपको मैंने बता दिया, बस अपना ध्यान रखिए। आप में से बच्चे जिनका स्कोर कम है प्लीज परेशान मत होइए, हम लोग आपके साथ हैं हर तरीके से, हमने लास्ट तक आपका साथ दिया है, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, अपने बारे में डिस्कस करिए, घबराइए मत। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक और ड्रॉप के लिए जाना चाहिए, बिल्कुल जाइए, डरिए मत, क्लियर है। और सिर्फ यहां से 9 महीने बचे हुए, 9 महीने का मतलब है बेटा, क्योंकि अगला पेपर मई में होगा, तो आपको अभी से स्टार्ट करना चाहिए, एक दिन ले लो, अपने आप को शांत कर लो, अपनी प्लानिंग कर लो, ठीक है, और उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं इस चीज को लेके बिल्कुल श्योर हूं, सिलेक्शन इस बात से नहीं रुकेगा आपका कि आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हो कि ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, आपकी मेहनत से रुकता है बेटा। पीडब्ल्यू में हम ऑनलाइन ऑफलाइन में दोनों में इक्वली मेहनत कर रहे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम सिलेबस टाइम पे खत्म करेंगे और सारा कवर करेंगे। दूसरी चीज क्या है, प्रॉपर आपके टेस्ट करा ले जाएंगे, तो वो सारी चीजें मैंने आपको बोल दी, ठीक है, क्लियर है, सही है बेटा, ठीक है। डीपीपी 100% आपकी बायो की मैं देखता हूं तो उसमें एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा, ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं, ठीक है, बाय, सही है। और क्योंकि हमारे ऊपर भी बेटा बहुत प्रेशर था पिछले 10-15-20 दिन से, मैं आपको बता नहीं सकता कि किसी किसी दिन तो हम लोग 1-2 घंटा ही सो रहे थे रात में, ठीक है, ये हम लोग इतना डिस्क्राइब नहीं करते, मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं आपको बताऊंगा कि यार मैं 1 घंटा सोया 2 घंटा सोया। आपके लिए बीएमआर बनाना, आपके लिए डोपा बनाना, बहुत सारी चीजें कर रहे थे। और उसमें भी बेटा कई बार बच्चे लिख देते थे कि सर आप तो कुछ करते ही नहीं हो यार, मदद ही नहीं कर रहे। कर रहे हैं बेटा, उसमें भी टेस्ट कराना, बहुत सारी चीजें कर रहे थे, और उसका जिन बच्चों ने फॉलो किया उनको फायदा भी हुआ है। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, सुनते नहीं है, अच्छे से करते नहीं। लास्ट डे भी बोला था यार इनको बना लो, इनसे आएगा डोपा से, है ना, ठीक है, क्लियर है, चलिए ठीक है बेटा, चलिए मिलेंगे फिर से दोबारा से, और जल्दी बेटा आपसे मिल रहे हैं। और आपको मतलब जिन बच्चों का बहुत अच्छा हुआ पेपर उनको गुड लक, और जिनका नहीं ठीक हुआ है प्लीज दिल छोटा मत करिए, हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है बेटा, बाय।